नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक संपन्न। उत्तर प्रदेश बलिया जिले में जिला चिकित्सालय बलिया में प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की बैठक संपन्न हुई। प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी गण ने बताया कि उन्होंने कोरोना काल में अभी तक कोई बैठक नहीं हुई थी। प्रसिद्ध जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के पदाधिकारी ने बताया कि अभी तक निःशुल्क का कोई आदेश नहीं हुआ है, परंतु हम लोग विश्वास है कि हमारी सरकार हमारी मांगों को जल्द ही पूर्ण करेगी। ब्लॉक नगरा जिला बलिया के हम अध्यक्ष हैं। किस प्रकार बैठक ये है, कैसी बैठक? जन स्वास्थ्यों के संदर्भ में बैठक थी। क्या बातें हुई? यादव जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन का उपाध्यक्ष। क्या है यहाँ पर? यहाँ पर हर महीने हम लोगों की माहवारी बैठक होती है, लेकिन कोरोना के वजह से बैठक नहीं हो रही थी, फिर शुरू बैठक हुई है। अपने कितनी जनसंख्या यहाँ पर थी आज? आज 200 से ऊपर थी। कुछ प्रदेश में ऐसे संगठन बना करके गुमराह करने का काम लोग कर रहे हैं। इसमें नए लड़के या पुराने जन संरक्षक जो हैं उन लोगों से पैसे की गुवाही हो रही है। इस सिलसिले में हम प्रदेश के पुराने जन संरक्षकों को बताना चाहते हैं कि अभी तक न कोई काम हुआ है और न कोई कुछ नियुक्ति पत्र दी जा रही है सरकार की तरफ से। अगर इससे आप लोग सावधान होइए, अभी काम होना है लेकिन अभी उसमें लेट लगेगा, लेट होगा। मैं प्रदेश संयोजक रामजी पांडे, प्रशिक्षित जन संरक्षक उत्तर प्रदेश। जी, किस प्रकार की बैठक है, कहाँ बैठक है? ये बैठक प्रशिक्षित जन संरक्षकों की जनपद बलिया की बैठक, जनपद बलिया में 20 तारीख को, हर 20 तारीख को, हर महीने की 20 तारीख को मीटिंग होती है जिले की। उसमें प्रदेश के ब्लॉक अध्यक्ष लोग आते हैं और अपनी अपनी समस्या निदान करने के लिए बात करते हैं। इसकी भी सिलसिले में आज मीटिंग चल रही थी। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं मीटिंग में किस प्रकार की वार्ता हुई, क्या फैसला हुआ, क्या हुआ मीटिंग में आए दिन? दिनेश कुमार मौर्य, प्रशिक्षित ग्रामीण जन स्वास्थ्य रक्षक जिला अध्यक्ष। जी, क्या किस प्रकार क्या जिला अस्पताल में? जो 20 तारीख को हर एक महीने के 20 तारीख को मीटिंग होती है, जो कि आज विशेष जो मीटिंग हुई है, जो कि प्रदेश स्तर से हमारे प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश सचिव लोग आए हुए हैं, जो कि इस पर विशेष वार्ता वो लोग। किस प्रकार की वार्ता हुई है? वार्ता ये जो वार्ता हुई है तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष भसन जी और प्रदेश सचिव पांडे जी जो हैं, इन लोगों से वार्ता हुआ है, ये लोग विस्तृत जानकारी देंगे। प्रदेश में कुछ ऐसे संगठन हैं जैसे राम गोपाल पुरी जी हैं, मनोज जी हैं, पटेल जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, इनके लोग जो जिला अध्यक्ष की नियुक्ति करके और जन स्वास्थ्य रक्षकों से या स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं के नाम पर ये लोग पैसा बहाली के नाम पर पैसा ले रहे हैं, जो गलत है, अभी तक हुआ ही नहीं। जी, इसकी शिकायत आपने कहीं किया अपने अधिकारियों के पास? नहीं, अधिकारियों के पास हम किस अधिकारी के पास हम शिकायत करेंगे? जो जन स्वास्थ्य रक्षकों से जिससे पैसा मांगा जा रहा है, वो खुद जो है अपने अपने जिलों में, जनपद के अपने अपने जिलों में वो लोग अपनी शिकायत जिला अधिकारी को या CMO वगैरह के यहाँ लोग कर सकते हैं। प्रदेश बसंत कुमार सिंह, प्रदेश अध्यक्ष, प्रशिक्षित जन स्वास्थ्य रक्षक एसोसिएशन उत्तर प्रदेश। जी, किस प्रकार की बैठक थी आज? जन स्वास्थ्य रक्षकों की बहाली के आज बैठक हुई। जी, इसमें क्या हुआ? बैठक में माननीय हम लोग स्वामीनाथ मौर्य जी को, जो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं, उनको पत्र दिए थे, उसके संबंध में बताया गया। फिर माननीय दयाशंकर सिंह जी, जो भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनको पत्र दे करके उनसे वार्ता की गई, उनके आवास पर, बलिया जनपद आवास पर उन्होंने लोग संतोषजनक वार्ता हुई और वो स्वयं बुलाए और कहे भी कि शासन स्तर पर कार्य जारी है। लॉकडाउन के दौरान भी मंत्रालय में, शासन में सदन में इस पर चर्चा हुई है। कुछ बिंदु पर असहमति होने के कारण हम लोगों का कार्य और बहाली रुका हुआ है। जी, ये बहाली का सिलसिला कई सालों चल रहा, फिर भी अभी तक नहीं हुआ। हाँ, कुछ ऐसी अड़चने हैं
जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। किस प्रकार का अड़चन है? जैसे हम लोग की बहाली करने में सरकार समर्थ है, चाह भी रही है, शासन भी चाह रहा है, लेकिन जो हमारे 20 वर्षों से जो एरियर की बात हो रही है, जो हम लोग एरियर की जब तक बात कर दे रहे हैं, इससे शासन जो है सतर्क हो जा रहा है। एरियर बहुत ज़्यादा बढ़ जा रहा है, आर्थिक बोझ ज़्यादा आएगी, इसी कारण मेन कारण यही है कि हम लोगों का बहाली में यानी विशेष अवरोध बना हुआ है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।